का सच सबके सामने लाऊंगी। आपने बहुत बुरे काम किए, उसका सबूत मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं इस बार आपका बुरा काम सबको बताऊंगी। खुद डंडे वाली आंटी के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी, आप झूठ बोलकर मुझे मेरे बाबा से दूर ले जा रहे थे। आज के बाद आप कभी अलग नहीं कर पाऊंगी डोरी और उनके बाबा को। मैं सबको सच बता दूंगी कि आप मुझे जबरदस्ती कहीं ले जा रही थी। नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करोगी समझी तुम? ये मुझे जबरदस्ती कहीं ले जा रही है, पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें। उठो बिटिया, क्या हुआ बिटिया, तुम ठीक तो हो? धूरी पापा, धूरी तुम कहां चली गई थी? डोरी, तू बार बार कहां चली जाती है? हाँ, तुझे फ्लोरा की बात का कुछ बुरा लगा? देख डोरी, तू किसी की बातों पे ध्यान मत दे, सिर्फ इतना याद रख कि तुझे तेरा बाबा बहुत प्यार करता है और मेरे लिए तो पूरी दुनिया है। मैं जानती हूँ बाबा, आपका प्यार पूरे दुनिया में बढ़ जाए लेकिन मेरे लिए कम नहीं होगा। तो ठीक है ना बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? डोरी, क्या हुआ था यहाँ पे? पूरी टुकड़ा पाई का रूप लेकर आई थी मेरे पास। और फिर अपने बातों में फंसा कर मुझे आपसे दूर लेके जा रहे थे। और तभी मैं समझ गई थी कि ये बुरी ठकुराइन। तभी मैंने चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया कि ये मुझे कहीं लेके जा रही है। पर वो भागे, पर भागते भागते यहाँ पे आ गई। पापा, अभी अभी टंटी वाली आंटी को बुलाकर पूरी ठकुराइन को जेल भिजवा देते हैं। हाँ, दंगा। डोरी तू सही कह रही है, अब इनको पुलिस के हवाले करना होगा। कैलाशी ठकुराइन पकड़ी गई तो हमारा सारा प्लान भी फेल हो जाएगा। जो भी, मैं तो खुश हूँ कि डोरी बिल्कुल सुरक्षित है, इसे कुछ नहीं। गंगा जी, कहाँ है किडनैपर? कैलाशी देवी डोरी को अगवा करने वाली थी, वो यही कहीं छुप गई है, पर डोरी उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। पुरी लाडो, सच में तुझे ठकुराइन ने अगवा करने की कोशिश की सर? तो थारे अलावा किसी और ने भी ये देखा सर? देखा है? फिर तो कुछ कर पाना मुश्किल से। प्रभात जी, सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? नमस्ते ठकुराइन। नमस्ते, नमस्ते। अरे, आप यहां क्या कर रही है? कोई आमचूर मिला है क्या यार? हरवी जी, आप इनको मेरी डोरी को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार कीजिए। कोशिश भी मत करना। हमको तो यहाँ बड़े आदर से आज के इस मातृत्व उत्सव की प्रतियोगिता में जज बनने के लिए बुलाया गया।
क्या यही मान सम्मान मिलता है यहाँ एक जज को? झूठ मत बोलिए, आप अभी माई बनकर आई थी ना मेरे पास। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हमें कोई शौक नहीं है अपनी बड़ी बहन का रूप लेने का। और आप तो कानून की बड़ी बड़ी बातें करती है ना, तो क्या आपको ये नहीं पता कि बिना सबूत के किसी को अरेस्ट करना गैर कानूनी है? ऐसा मानहानि का केस ठोक देंगे हम इन पर, जिंदगी निकल जाएगी उसका चुपता करते करते। नहीं रहना हमें यहाँ, जहाँ एक जज के लिए कोई मान सम्मान ना हो। अरे रुकिए ठकुराइन जी, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। पता नहीं इन्हें क्यों ऐसी गलतफहमी हो गई। मैडम, हमारे मेहमान को आरोपी बनाने की जगह कानून व्यवस्था बनाने में मदद कीजिए। ठकुराइन जी आप चलिए हमारे साथ। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लेंगे ठकुराइन जी, आप मुझे मेरे बाबा से दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कभी मेरे बाबा के लिए बोझ नहीं बनूंगी। बाबा के दिल में हम दोनों बहनों के लिए बहुत प्यार है ना बाबा? हाँ मुनिया। मुझे आज किसी भी तरह मंत्री जी से बात करके बाल कल्याण विभाग वालों को रोकना होगा कि वो डोरी को मुझसे अलग ना करे, और उसके बाद मैं जल्द से जल्द डोरी को कानूनन तौर पे गोद ले लूंगा। सभी माँ बच्चे की जोड़ियां रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आकर अपना अपना नाम रजिस्टर कर लें, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हिस्सा तो मुझे भी लेना, पर कैसे? सुधा, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है सुधा? तुम ठीक तो आओ? तुम दूर रहिए। अरे क्या कर रही हो? दूर रहिए, आपको दिख नहीं रहा है मेरा बेटा है? सुधा ये दूर रहो मुझसे। ये हमारा बच्चा नहीं है सुधा, ये तो गुड्डा है। बंद करो ये बकवास, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। हाँ मेरा बेटा है। अपना बच्चा मर चुका है सुधा। नहीं, हमारा बच्चा नहीं मरा है। बस करो सुधा। ये गुड्डा मुझे दे। बर्दाश्त, वो मेरे पास आया, मैं ये उठा के अपने सर पे मार लूंगी। नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करो, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। सब पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा छीनना चाहते। सुधा, फादर्स डे नहीं सुना? नहीं,
ये प्रतियोगिता माओ के लिए है और एक आदमी माँ नहीं बन सकता। तेरे चक्कर में प्रतियोगिता छोड़ो, प्रकृति का नियम बदल देंगे क्या? मेरे बाबा काहे मेरी माँ नहीं बन सकते बताइए। काहे की औरत जो है ना वो साड़ियों में होती है, नानी लिपस्टिक लगाती है, मेकअप लगाती है, जैसे कि हमारी तरह। कोई भी छोटा करता ना माँ नहीं बन सकता। आज आ रहे मूठा की इनाम जीतने के लिए, निकालना इसको यहाँ से। आपका नाम नहीं लिखा जा सकता, आप दोनों जाइए। बाबा अपनी बेटी को माँ की तरह पाल सकते, अपनी बेटी को माँ की तरह प्यार कर सकते, तो वो इस उत्सव में भाग क्यों नहीं ले सकते? बाकी सबके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई साहब आप इसका नाम लिखिए, इसकी माँ आ जाएगी। ये मुनिया तुझे हिस्सा लेना है ना, हाँ तू चिंता मत कर, जाके अपनी ड्रेस पहन ले। लेकिन वो साड़ी और गहनों वाली माँ कहाँ से आएगी बाबा? तुझे माँ चाहिए ना, माँ आ जाएगी मुनिया, तू जा ड्रेस पहन। हाँ माँ, कहते हैं भगवान हर घर में नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। और बात भी तो सच्ची है, माँ से अच्छी कोई सूरत हो ही नहीं सकती। माँ के पांव छू लो तो फिर किसी भी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। हमने भी अपनी ममता खूब लुटाई है अपने बच्चों पर। अपने बच्चों के लिए जो त्याग देना पड़ा हमने दिया, लेकिन अपने बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। सच कहते हैं बच्चों के हिस्से में कभी कोई तकलीफ नहीं आती अगर बच्चे का भविष्य उसकी माँ खुद लिख दे। इसी ख्याल के साथ आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बाल कल्याण मंत्री श्रीमती विद्या जी देवी को मैं इस मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रुके, कहाँ जा रहे हो? मंत्री जी से मिलना है। अभी नहीं मिल सकते, कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंत्री से मिलिएगा। जो डोरी ने मेरे साथ किया है उसके बाद भगवान भी मुझसे डोरी को नहीं बचा सकता। डोरी और बाबा की ये डोर जल्दी ही टूटेगी। भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में माँ और बच्चे की हर जोड़ी को हमारे पौराणिक ग्रंथों और साहित्य की कथाओं में से उन्हें किसी चरित्र का रूप प्रदर्शन करना होगा, और जो उन चरित्र को सबसे अच्छे से निभाएगा उस माँ और बच्चे की जोड़ी को 50,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पर कहां फंसा दिया माँ ने मुझे, दिमाग गरम हो रहा है। तो भाई और बहनों स्वागत कीजिए हमारे इस प्रतियोगिता की सबसे पहली और अद्भुत जोड़ी फ्लोरा और उनकी माँ पवित्रा का। मैं दुर्योधन और ये मेरी माँ गांधारी। हस्तिनापुर का राजपाट और सिंहासन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। जिस पे दुर्योधन का अधिकार हो वो चीज मैं किसी को नहीं बांटता। माँ की आंखों में बंधी हुई मजबूरी की पट्टी मेरी कमजोरी नहीं।
स्वागत कीजिए हमारी अगली जोड़ी का, जो है अंश और उसकी माँ कोमल जी। प्रणाम, मैं हूँ कौशल्या और ये है मेरा राम लल्ला। ये मेरी सारी बातें मानता है, जैसे मैं कहती हूँ वो सब सुनता है, सब अच्छे से करता है ना। चलो अब हम ना सबको दिखाते, करो प्रणाम, करो प्रणाम, करो ना। और अब मिलिए हमारी अगली जोड़ी से। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ प्यार नहीं, संस्कार भी दिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा और आदर्श पुत्र बनने की, ताकि मेरी माँ सीता मैया को दोबारा कभी अग्नि परीक्षा ना देनी पड़े। हमारी अगली जोड़ी है वंश और उनकी माँ पांसी जी। जोरदार तालियां। प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, पर जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ये जोड़ी आपके चेहरे पे मुस्कान और आंख में आंसू दोनों ले आएगी। तो इंतजार किस बात का, आप खुद ही मिल लीजिए इस जोड़ी से। और मेरे माँ पार्वती का प्रेम। डोरी? डोरी की तो कोई माँ नहीं है, फिर ये कैसे माँ बनाकर लाई है? तभी तो हम आपसे कह रहे थे कि इस जोड़ी को यहाँ परफॉर्म करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बच्चे की मां नहीं है। बाबा आप कहो, आपने कहा था कि मेरी मां आएगी।